अद्भुत खास मजा आया। वो विज्ञान की सीख मुझे हमेशा याद रहेगी। कौन सी सीख? कक्षा में ध्यान देना सीखो भोंदू, वरना बनोगे रोंदू। मैं अभी भी नहीं समझा। अरे भोंदू, कोई भी चीज नीचे गिरती है क्योंकि जमीन उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। मैं इस सेब को खाऊंगा, इसमें गुरुत्वाकर्षण है। नहीं मैं खाऊंगा। 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 नहीं ऐसे ही रहेंगे, चलो खेलने चलते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो। मैं खाऊंगा। नहीं मैं खाऊंगा। मात्र काल क्या कम था कि अब दो है। चुप कर मुका, मेरे इस नए आविष्कार से पार्वती नगरी में तबाही मच जाएगी। ऐसा क्या आविष्कार बनाया है त्रिकाल? महाराज, मैं इस दवाई को आनंद नगरी की घास में मिला दूंगा, इससे सब गाय बीमार हो जाएंगी और उनका दूध पीने वाले सब लोग भी। वाह, और फिर आनंद नगरी पे मेरा राज होगा। फालतू फालतू, यहाँ आओ। फालतू क्यों फालतू? चल करे धमाल। ये ले जाओ और इसे उस आनंद नगरी की घास में से
सुबह तो ठीक था जब गुरुकुल आया था, पता नहीं क्या हो गया। जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। आनंद नगरी में काफी बीमारी फैली हुई है। गुरुजी, सुद्धि भी आज गुरुकुल नहीं आया, वो भी बीमार है। हाँ गुरुजी, और बहुत लोग बाबा से दवाई लेने आ रहे हैं, बहुत लोग बीमार हैं। इसीलिए आज गुरुकुल की छुट्टी होगी। आप सब भी ख्याल रखना और अपने दोस्तों की मदद करना। सब बीमार पड़ो गए आनंद नगरी वालों, सब के सब। इतने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। बाबा कह रहे थे बहुत सी गाय बीमार है गांव में। गायों ने कुछ अजीब चीज खा ली होगी। हो सकता है ये त्रिकाल की साजिश हो। चलो आनंदी नदी के पास वाली घास की तरफ। क्यों? इतने सारे लोग और गायें अचानक एक साथ बीमार क्यों पड़ रहे हैं? उस घास में जरूर कोई मिलावट है। तो मेरा शक सही निकला। मुझे पता था कि त्रिकाल हमारी घास में कुछ मिला रहा है। तुम फिर आगे कितना? इस बार नहीं बचोगे तुम। घास में मिली उस दवा की वजह से घास खाने वाली सभी गायें बीमार पड़ गई थी और उन बीमार गायों के दूध पीने वाले सब बच्चे भी बीमार पड़ गए। मैंने जो ये दवा बनाई है कृष्णा, इससे सब ठीक हो जाएंगे। ये लड्डू तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। बल्लू भैया, ये लड्डू नहीं है, ये तो दवा है सब गायों के खाने के लिए। और ये दवा है सब लोगों के पीने के लिए। चलो हम सबको दवा देकर आते हैं। Thank you.
कृष्णा ने ठीक कर दिया अपने दोस्तों को। तुम सब ठीक हो? इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? सच है, चलो एक और मुसीबत टली। जान बची बला टली। हाँ वो तो है, जो कोई ना कर पाए वो ईश्वर कर पाए। हे, सब्सक्राइब टू वाओ किड्स टुडे।